कुछ सालों से मैं एक फिल्म का नाम ढूंढ रही थी। दरअसल 6-7 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसके गानों ने मेरा दिल जीत लिया, पर मैं इस फिल्म की अभिनेत्री को पहचान नहीं पाई। असल में उस फिल्म का नाम था मल्हार, जिसका निर्माण गायक मुकेश ने किया था। मैं 2014 में एक फिल्म कंपनी में काम किया करती थी और वहाँ मेरा काम पुरानी फिल्मों को देखकर उनमें से अच्छे सीन्स निकालना था। वैसे तो इस काम में मैंने हजारों पुरानी फिल्में देखी थी, इसीलिए सबके नाम ध्यान में रख नहीं पाती। कुछ साल गुजर जाने के बाद मैं इस फिल्म को भूल गई थी, पर एकाएक ही मेरी फिल्मी माँ ने मुझसे अभिनेत्री शम्मी पर वीडियो बनाने को कहा। शम्मी को तो मैं जानती ही थी, 90 के जमाने में जन्म होने के नाते इतना तो कह सकती हूँ कि शम्मी को सभी लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि 90s के जमाने में बेहतरीन कॉमेडी और एक्शन फिल्में बनती थी, इसीलिए शम्मी को माँ या दादी के रूप में काम मिल जाता था। तो चलिए इस बहाने अभिनेत्री शम्मी की कहानी सुना देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। नरगिस राबड़ी उर्फ शम्मी आंटी का जन्म 24 अप्रैल 1929 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका नाम नरगिस ही था, पर इंडस्ट्री में पहले से ही नरगिस होने के चलते उनका नाम शम्मी रखा गया और लगातार 6 दशक तक काम करने के कारण वो सम्मानजनक व्यक्ति बन चुकी थी, इसीलिए सभी लोग उन्हें शम्मी आंटी पुकारते थे। वो जब 3 साल की थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए 2 बेटियों की जिम्मेदारी माँ पर आई। शम्मी को मणि राबड़ी नामक बड़ी बहन भी थी, जिसने बतौर फैशन डिजाइनर खूब नाम कमाया। आने वाले समय में आलीशान जिंदगी जीने वाले लोगों का शुरुआती समय अक्सर तकलीफ से भरा होता है। शम्मी के साथ भी ऐसा ही था। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए माँ त्योहार के अवसर पर खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे उनका घर चलता था। शम्मी की मौसी भी उनके ही घर में रहती थी, पर जैसे जैसे समय गुजरा शम्मी और उनकी बहन पढ़ने लगी। प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद उन्हें कारखाने में काम भी मिला। 1944 के साल में शम्मी को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम मिला, जिसमें वो डिफेक्टिव पैकेज और यूनिट से गिरे हुए टैबलेट्स जमा करने का काम किया करती थी। ये काम करते करते उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो फिल्मों की अभिनेत्री बनेंगी। एक इंटरव्यू में शम्मी आंटी ने खुलासा किया कि वो ज़्यादा फिल्में भी नहीं देखती थी, क्योंकि उनका पूरा फोकस काम और घर पर था। अपने दौर के जाने माने एक्टर और फिल्मकार शेख मुख्तार उत्साह पेड्रो नामक फिल्म बना रहे थे, जिसमें वो खुद हीरो थे और बेगम पारा अभिनेत्री थी। उन्हें सेकेंड लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने शम्मी को लेने के बारे में सोचा। पर परेशानी ये थी कि शम्मी की हिंदी कमज़ोर थी, इसीलिए इस फिल्म के डायरेक्टर हरीश ने उन्हें एक्टिंग और भाषा के बारे में कुछ टिप्स दिए। शम्मी भी होशियार थी, इसीलिए बड़े ही कम दिनों में वो बेहतरीन अभिनय करने लगी। इसीलिए हरीश ने उन्हें 500 रुपये मासिक वेतन पर काम पर रख लिया। शम्मी को भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, जिसके तहत वो दूसरे फिल्मकारों के साथ काम नहीं कर सकती थी। 1949 में रिलीज हुई ये फिल्म काफ़ी सफल हुई और शम्मी को पहचान मिलने लगी, पर उनकी अगली फिल्म मल्हार बुरी तरह से फ्लॉप हुई। वीडियो के शुरुआत में इसी फिल्म का जिक्र हो रहा था। असल में फिल्मकार हरीश को शम्मी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मल्हार में उन्हें बतौर हीरोइन के रूप में उतारा गया। उस वक्त उनके ऑपोजिट कोई बड़ा स्टार नहीं था। उस दौर के एक्टर अर्जुन और मोती सागर ने इस फिल्म में शम्मी का साथ दिया। फिल्म तो फ्लॉप हुई, पर गानों ने कमाल कर दिया। इसी फिल्म का गाना कहाँ हो तुम जरा आवाज दो ज्यादा प्रचलित तो नहीं, पर अगर कोई इस गाने को सुन लेगा तो भूलेगा नहीं। मल्हार को 1951 में रिलीज किया गया। फ्लॉप होने के चलते शम्मी बहुत उदास भी थी, पर उन्होंने सोचा कि अब वो हर प्रकार के किरदार निभाएंगी। एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि काफ़ी लोगों ने इस फैसले पर नाराज़गी दर्शाई, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं, अगर अभी से ही कैरेक्टर रोल करने लगेंगी तो कोई भी फिल्मकार उन्हें हीरोइन के रूप में काम नहीं देगा। पर आगे शम्मी जी कहती हैं कि एक तरफ से उनका निर्णय अच्छा साबित हुआ,
क्योंकि आने वाले 6 दशक तक उन्हें पैसों की दिक्कत नहीं हुई। 1950 के बाद शम्मी ने जो सफर शुरू किया वो लगातार चलता रहा। बुढ़ापे तक उन्हें काम मिलता रहा। एकाएक उनकी पहचान फिल्मकार सुल्तान अहमद से हुई। 1973 में शादी हुई, पर यह विवाह ज्यादा समय तक टिका नहीं क्योंकि शम्मी को 2 बार गर्भपात हुआ, इसीलिए वो कभी मां नहीं बन पाई। इस वजह से शादी के 7 साल बाद वो अलग हुई। उस दौर में शम्मी बहुत मुश्किल हालातों में थी। उनका पैसा और घर पति ने छीन दिया, इसीलिए सिर्फ कपड़ों की बैग लेकर वो अपने खुद के बंगले से बाहर निकली। उस वक्त फिल्म जगत में उन्हें नरगिस, सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे लोगों ने साथ दिया। इन लोगों के कारण उन्हें ढेर सारी फिल्में मिली। सी रामचंद्र और सुनील दत्त के प्रोडक्शन कंपनी के साथ वो सीमा पर खड़े सैनिकों का मनोरंजन करने भी जाती थी। 80 के जमाने में शमी ने प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया, जिसमें राजेश खन्ना और राखी मुख्य किरदार में थे। पर डायरेक्टर इस्माइल के बर्ताव के चलते राजेश खन्ना फिल्म से बाहर हो गए। उसके बाद शम्मी ने यह ऑफर शशि कपूर को दिया। कहा जाता है कि शशि कपूर बिना स्क्रिप्ट देखे ही इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए, पर डायरेक्टर के कारण सभी मेंबर नाखुश थे। जब फिल्म का प्रोडक्शन पूरा हुआ तो डबिंग के दौरान ही शम्मी ने इस फिल्म को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, इसीलिए वो ज्यादा नुकसान सहना नहीं चाहती थी। फिल्म तो बंद हो गई, पर शम्मी का बहुत नुकसान हुआ। पर आने वाले 90 के दशक में उन्हें बहुत सारी फिल्में मिली। उसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने की कोशिश भी नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने करीब करीब 400 फिल्मों में काम किया था। उनमें से ज्यादा फिल्में हिट थी। अगर उनके हिट फिल्मों की गिनती की जाए तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। पर आखिर में इतना कहना चाहती हूँ कि शमी आंटी की सभी फिल्में लाजवाब थी। अपने आखिरी दिनों में शमी ने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर बेसहारा बुजुर्ग कलाकारों की खूब मदद भी की। 2012 में रिलीज हुई फिल्म शिरहीन फराद की तो निकल पड़ी में शमी आंटी ने बोमन ईरानी की दादी का किरदार निभाया, जो उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। और 6 मार्च 2018 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।